नितिन की मौत से गुस्साए छात्रों ने पूरे शहर को बंद कराया। सीएसपी सहित पूरे पुलिस अमले ने दिया धैर्य का परिचय। मंगलवार की दोपहर जो हुआ जैसे हुआ वह नहीं होना चाहिए था। एक पिता ने अपना बेटा, माँ ने अपना लाडला, बहन ने अपना भाई, छात्रों ने अपना साथी खोया था। वक्त अपने साथ इनके जख्मों पर मरहम लगा देगा। सब कुछ पूर्व की तरह चलने लगेगा, लेकिन बात वक्त की नहीं, आज की। आज आप छात्रों से बात करिए, वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। सत्ता पक्ष को शायद यह बात अभी समझ नहीं आ रही है। जब सत्ता में नहीं थे तब थोड़ी सी ही बात उन्हें सड़क पर खींच लाती थी। बात बात में विज्ञप्ति लेकर अखबार के दफ्तरों में पहुंचने वाले लोग खामोश क्यों हैं? जनता उनसे आज नहीं तो कल यह सवाल जरूर पूछेगी, तब क्या जवाब होगा? टीआरएस कॉलेज के बच्चों का, छात्रों का सवाल क्या अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सुना आपने, कॉलेज में पुलिस चौकी, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, छात्रों और टीचरों के लिए ड्रेस कोड, क्या ये गलत मांगे हैं? चलिए इन पर बातें फिर कभी। नितिन की मौत के बाद कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और पुलिस की नाकामी को लेकर छात्र काफी आक्रोशित नजर आए। गुरुवार को छात्र अपने मृतक साथी छात्र को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए और पूरे शहर के हर चौराहों में घूम घूम कर शहर की दुकानें बंद कराईं। उनके साथ कई सामाजिक संगठन और NSUI के कार्यकर्ता भी नजर आए और इस बंद में उनका साथ दिया। रीवा बंद के दौरान व्यापारियों ने भी छात्रों के द्वारा की गई अपील को माना और अपनी दुकानें बंद रखी। इस नितिन हत्याकांड के बाद से छात्रों के हित की बात करने वाले सत्ता पक्ष का कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। यह हत्याकांड पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस इस हत्या में शामिल मुख्य आरोपी वैभव ठाकुर को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, वहीं वैभव का हौसला तो देखिए, उसे किसी का डर नहीं। और बुधवार को फेसबुक पर अपडेट होकर उसने एक मैसेज लिखा, लोगों ने मजबूर किया बुरा बनने में, इसलिए हम बुरे ही अच्छे। ये शब्द हैं उस वैभव के, जिसने किसी के घर का चिराग बुझा दिया, उसके बाद भी उसे इसका कोई दुख नहीं। हालांकि पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है और जगह जगह दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है। रीवा बंद के दौरान पुलिस ने काफी धैर्य दिखाया। पुलिस के आला अधिकारी खुद ही सड़क पर उतरे, जिसका नतीजा था कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आइए हम आपको लेकर चलते हैं शहर के विभिन्न चौराहों पर, जहां छात्रों ने नितिन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रीवा बंद कराया।
और कानून व्यवस्था के खिलाफ जो शिक्षा के मंदिर में एक हत्या हुई है भाई नितिन सिंह की, उसके खिलाफ रीवा बंद का आह्वान बुलाया गया है। और मैं प्रशासन से और शासन से मांग करता हूं कि वहां पे इस पार्टी जो 5-7 सालों से प्रिंसिपल बैठा है, जिसके नीचे इस तरह के अपराध हो रहे हैं, 5000 कैपेसिटी का TRS कॉलेज, 15000 बच्चों को एडमिशन दे के आपराधिक गतिविधियों को जो वहाँ पे प्राश्रय दिया जा रहा है, तत्काल एक तो कॉलेज का प्रिंसिपल बदला जाए, वहाँ पे फैकल्टी की व्यवस्था की जाए, और पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग है कि नितिन के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और रीवा के अंदर जो लोग वेपन्स का धंधा करते हैं, जिनके माध्यम से रीवा में असलहे और वेपन्स आते हैं, जो आए दिन अपराध होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमेशा एक चीज होती है, यहाँ पर मेडिकल स्टोरों में हर जगह यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मौन है। शिवराज सिंह सरकार के नाक के नीचे जितने और सरकार को ही और कॉलेज के प्रिंसिपल रहिए।